कैसे धरो दिल धीरा। कौशल्या कहती स्वामी ना रोवो। राजा दशरथ बोले रोई ना तो कल लेके ढोल बजाई। कैसे धरो दिल धीरा हमार दोनों हीरा चले गे। कैसे धरे जिया धीरा हमार दोनों हीरा चले गे। पिता को कितना प्रेम होता अपने बच्चों से। लड़का नहीं सोचता है कि हमको इतना प्यार माँ बाप करते हैं, लेकिन जब लड़का चला जाता है तो माई बाप सारा दिन खाना नहीं खाते और अपने ही बेटा की चर्चा करते हैं। पता नहीं कौन स्टेशन पर होए, पता नहीं कहाँ कौन जंक्शन पर होए, पता नहीं आज कहाँ पहुंचे। ए राम लखन सिया बन का चले गे। लखन सिया बन का चले गे। धरी के भेसे फकीरा हमार दोनों हीरा चले गे। प्राणियों से प्रेम नहीं था। अयोध्या के प्राणी है जीव जंतु, जो चिड़िया बैठी है, डाल है नदी में, नीचे अथाओ सरजू का पानी भरा, चिड़िया प्यासी है। लेकिन भैया हरी पशु पक्षी सब ऐसे बिकल है। सरजू का नीरा यहीं सरजू का नीरा हमार दोनों हीरा चले गे। योग में अपने प्राणों को त्याग दिया। इस इधर भैया राम लक्ष्मण सीता तीनों प्राणी कहां पहुंच गए, गंगा जी के किनारे। सुमंत उतर लिया और सुमंत से कहा भैया लई रथो भैया अवध को जाहो। सुमंत ने कहा कि तुम्हारे पिता दशरथ जी कहा था कि गंगा पार ना करना और वापस ले आना, अगर तुम चले गए तो राजा हमें फांसी दे देगा। महाराज आप पार मत जाइए। भगवान ने कहा सुमंत जी चिंता ना करो, क्षत्रिय आदमी का काम होता है कदम पीछे नहीं देता है, कदम सदैव आगे बढ़ाना चाहिए। भैया जो व्यक्ति अपनी सोच छोट रखता है वह व्यक्ति सदैव छोटा रहता है, अपनी सोच सदैव बड़ी रखना चाहिए, सदैव सोच बड़ी रखना चाहिए और दूसरे के धन पर ईर्ष्या करना नहीं चाहिए। दूसरे के धन पर ईर्ष्या करोगे तो तुम छोट बने रहोगे। ए दुश्मन को मारो ना, दुश्मन को मारो अपनी प्रवर्ष के द्वारा कि हम इससे आगे निकल, अभी वो हमका देख दे खुदाई मरी।